मैडम मैडम, वो मैंने अपने पिता को मार दिया है। लड़के, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मैडम मैडम, आप मेरी बात मानिए, मैंने उन्हें मार कर उनके कुछ हिस्से को खा भी लिया है। लड़के कौन हो तुम, कहाँ रहते हो? जिस तरह से आपके होश उड़े उससे कई ज्यादा उसे सुनने के बाद वहाँ खड़े पुलिस अफसरों के होश फाकता हो चले थे। लेकिन तुरंत ही ड्यूटी पर तैनात अफसरों ने किसी संगीन अपराध की शंका में शख्स के हाथों में हथकड़ी लगाई और फौरन ही उसकी घर की ओर गाड़ी घुमा दी। इससे पहले हम आपको क्राइम सीन समझाएं, पहले समझते हैं कौन है ये विलन। नाम खालिद अहमद, उम्र 26 साल, देश मूल रूप से फिलिस्तीनी, पिता के साथ अमेरिका शिफ्ट हुआ था। जुर्म, पिता का कत्ल करने के बाद उनके शव को खा गया। जितना खूंखार खालिद का जुर्म है उससे कई ज्यादा उसकी सोच में वैशीपन। सोच की बात इसलिए क्योंकि खालिद जब से फिलिस्तीनी से अमेरिका आया उसे अमेरिका के लोगों से खासी नफरत थी। आए दिन वो अपने पिता से उसे वापस फिलिस्तीनी छोड़ने की बात कहता। उसे अमेरिका के खानपान, हवा और यहाँ तक कि लोगों के पहनावे पर भी दिक्कत थी। अमेरिका की महंगाई से परेशान रहने वाले खालिद को घर पर उतनी ही झुंझलाहट होती। बिस्तर के नीचे घूमते तिलचट्टे, घर पर बाप के हर वक्त ताने ने खालिद को घर से भागकर अपने फिलिस्तीनी आतंकियों से मिलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पिता ने दुनिया देखी थी तो बेटे को समझाते, पर जब सिर पर खून सवार हो तो हर कोई इंसान को गलत ही लगता है। खालिद ने कई बार पिता को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश भी की, लेकिन पिता ने बेटा समझकर उसे छोड़ दिया। अगर आप जुर्म की दस्तक को समय रहते समझ नहीं सकते तो ये आने वाले वक्त में किसी कहर की तरह आप पर बरपेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 26 साल के खालिद को गुस्सा ऐसा फूटा कि उसने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए, लेकिन तड़पते बाप को देखकर उसके अंदर की झुंझलाहट शांत नहीं हुई। गुस्से की भूख ऐसी कि उसने अपने बाप के छोटे छोटे टुकड़े किए और खुद उसे खा गया। फिलहाल पुलिस खालिद की दिमागी हालत की जांच कर रही है और आगे की जांच में जुट चुकी है।